गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। सुपीरियर मॉडल स्कूल क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश लेक्चर नंबर 11 यूनिट नंबर 1। व्हाट इज़ अ टाइम, व्हाट इज़ अ टाइम में हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हम लोगों ने 1 2 3 4 5 विल बी डन इट एंड लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6। प्लीज टेक आउट योर कॉपी, लेट्स स्टार्ट द वर्क। फ्रेंड स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसी तरह से जो है अपनी कॉपी रेडी करनी है, डेट और डे लिखना है। यूनिट नंबर 1, व्हाट इज़ अ टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे व्हेन W कैपिटल WHEN व्हेन, वन फिंगर का गैप, व्हेन डज, व्हेन डज, वन फिंगर का गैप, अंबर AMBER अंबर, वन फिंगर का गैप, आउट, गो आउट, गो आउट, साइड SIDE साइड, टू प्ले। व्हेन डज अंबर गो आउट साइड टू प्ले, अंबर ने क्या किया पहले, देन फिर उसने क्या किया, ठीक है। व्हेन डज अंबर गो आउट साइड टू प्ले, आंसर इसका लिखेंगे आफ्टर डूइंग, आफ्टर ए कैपिटल AFTER आफ्टर, वन फिंगर का गैप देते हुए, आफ्टर डूइंग DOING डूइंग, हर होमवर्क HER हर, हर होमवर्क HOME होम वर्क, WORK वर्क, उसने क्या किया है अपना होमवर्क ख़त्म किया, आफ्टर डूइंग हर होमवर्क उसने अपना काम ख़त्म किया। अंबर रीड द टाइम टेबल, फिर उसने क्या किया, अंबर ने क्या किया, उसने अपना टाइम टेबल रीड किया, रीड्स द टाइम टेबल READS रीड्स, वन फिंगर कैप, द टाइम टेबल, द टाइम टेबल, आफ्टर डूइंग हर होमवर्क, आफ्टर रीड्स, अंबर रीड्स द टाइम टेबल एंड पैक हर बैग PACKS पैक्स, वन फिंगर का गैप, हर बैग BAG बैग एंड AND गोज आउट GOES गोज आउट टू प्ले। ओके, नंबर 6 क्वेश्चन है व्हेन डज अंबर गो आउटसाइड टू प्ले, अंबर डूइंग हर होमवर्क, अंबर रीड्स द टाइम टेबल एंड पैक्स हर बैग एंड गोज आउट टू प्ले। अंबर ने अपना होमवर्क ख़त्म किया, उसने टाइम टेबल पढ़ा, उसने अपना बैग बंद किया और बाहर खेलने के लिए वो चली गई। स्टूडेंट्स, काइंडली आप लोगों का यूनिट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 विल बी डन इट। आई होप आप लोगों ने अपनी कॉपीज पे नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपने काम कंप्लीट किया होगा और लिखा होगा और याद भी किया होगा, और एंडिंग लाइन लगाएंगे हम लोग। और काइंडली आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद भी करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।